क्या ये लव जिहाद के कारण मौत हुई है, उस दिशा की ओर बढ़ रही है? आवश्यकता यदि होगी तो पुलिस के द्वारा नार्को टेस्ट भी की जाएगी, पर तुनुषा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। आपको बता दें कि तुनुषा शर्मा मर्डर केस में अब लव जिहाद एंगल की भी जांच होगी। जी हां, इस तरह का औपचारिक बयान बीजेपी नेता राम कदम का सामने आया है। बीजेपी नेता राम कदम ने एक वीडियो जारी कर इस केस में सनसनी मचा दी है। जी हां, आपको ये भी बता दें कि तुनुषा की मां पहले भी शिजान खान पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। उन्होंने संज्ञान पर आरोप लगाया था कि शिजान ने तुनुषा को धोखा दिया है, उसने शादी तक का वादा किया था लेकिन बाद में ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आज शिजान की बहनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिजान पर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन इस दौरान शिजान की बहन और एक पत्रकार के बीच काफी झड़प देखने को मिली। पत्रकार ब्रेकअप वाले सवाल को लेकर काफी गंभीर दिखा और शिजान की बहन डिनाई करते हुए दिखी। वो कह रही थी कि इस तरह का ब्रेकअप नहीं था कि तुनुषा सुसाइड कर रहे। पहले आपको सुनाएंगे उनकी बहन का वो बयान जिसमें पत्रकार और उनके बीच काफी झड़प देखने को मिलती है, और उसके बाद आपको सुनाएंगे दूसरा औपचारिक स्टेटमेंट जो बीजेपी नेता राम कदम ने दिया है। उन्होंने बताया है कि अब तुनुषा मर्डर केस में लव जिहाद एंगल की भी जांच होगी और तुनुषा को इंसाफ मिलेगा। ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर एक सवाल को इतना घुमा दिया, मेरे बोलने को इतना घुमा दिया, तोड़ मरोड़ दिया है। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, हमने ये चीज तब ही क्लियर की थी कि ब्रेकअप एक अच्छे नोट पे हुआ था। दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही डिसाइड किया था कि ठीक है, लेट्स फोकस ऑन आवर करियर फर्स्ट, और अभी बहुत जल्दी हम बहुत अर्ली स्टेज है इस चीज के लिए, पहले काम करते हैं, अच्छे से शो करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये व्हाट्सएप पे चैट है जो ऑलरेडी पुलिस के पास एज एन एविडेंस रखा है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना क्योस था, इतने सारे रिपोर्टर्स अलग 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 जगह से अलग अलग डायरेक्शन से मुझसे सवाल कर रहे थे, और वो उस कंफ्यूजन में ये चीज हुई कि ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, ब्रेकअप हुआ था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ। मार्क माई वर्ड, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ, अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप हुआ है। तुनुषा शर्मा के मौत का गंभीर मामला, महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश पुलिस को दिए गए हैं, सभी तथ्यों को खंगाला जाए, जो बिंदु सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वह सारी बातें, क्या ये लव जिहाद के कारण मौत हुई है, उस दिशा की ओर बढ़ रही है? आवश्यकता यदि होगी तो पुलिस के द्वारा नार्को टेस्ट भी की जाएगी, पर तुनुषा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। साथ साथ में क्या फिल्म जगत में भी कोई ऐसे षड्यंत्रकारी लोग लव जिहाद को लेकर के काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच होगी। महाराष्ट्र की सरकार प्रयास कर रही है कि लव जिहाद के मामलों को भविष्य में रोकने के लिए किस प्रकार से कड़े कानून का प्रावधान किया जा सकता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए, तुनुषा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा।